फ्रेंड्स वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल कोहिनूर प्रिडिक्शंस। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बीबीएल के 19वें मुकाबले के बारे में, जो कि सिडनी थंडर वर्सेस मेलबोर्न स्टार्स के बीच में खेला जाएगा। तो इस मैच से रिलेटेड आपको ड्रीम इलेवन टीम बताया जाएगा, वीडियो के अंत तक देखिएगा जरूर। प्लस पंटर पॉइंट्स बताया जाएगा, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा अगर आप बेटिंग करते हैं, सेशन खेलते हैं मैच में, तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा ये पॉइंट्स, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मतलब स्टैट्सफुल पॉइंट है और काफ़ी मेहनत के बाद निकाला जाता है। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैच खेला जाएगा आपको 2 जनवरी यानी कल। टाइम होगा 10:10 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से। सुबह में मैच है, वेन्यू होगा सिडनी सावर ग्राउंड, सिडनी शो ग्राउंड स्टेडियम में खेला जाएगा सिडनी ये मुकाबला। मोबाइल मेरा आप नंबर सेव कर सकते हैं 7428525767 67, ये मेरा व्हाट्सएप, ये मेरा कॉलिंग नंबर है। आप एक तरह से लॉस रिकवरी नंबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि जितना भी लॉस है आपको मैं कवर करा के दूंगा। टेलीग्राम पे जाइए, काम देखिए, कोहिनूर प्रिडिक्शन से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अच्छा लगे तो कांटेक्ट करिएगा। पिच पर बात कर लेते हैं, तो सरफेस जो है वो बैटिंग के लिए काफ़ी अच्छा है और बॉल काफ़ी अच्छे बैट पे आता है, जिसकी वजह से रन स्कोर करना इजी होता है। अगर पिछले साल का बात करेंगे तो बीबीएल 2018 में 150 से प्लस स्कोर 4 बार लगा था 5 मैचेस में, मतलब बैट्समैन यहाँ पर इंजॉय करता है बैटिंग करना और रन यहाँ पर लगते हैं। अब प्रीव्यू ले लेते हैं, दोनों टीम के बारे में बात करेंगे। तो मेलबोर्न स्टार्स यहाँ पे आपको 4 में से 3 जीती है और काफ़ी इंप्रेसिव लग रही है, करेंटली थर्ड पोजीशन पे पॉइंट्स टेबल में। वही बात करेंगे सिडनी थंडर्स का, तो 5 मुकाबलों में से 3 जीती है और करेंटली टेबल टॉपर है, तो काफ़ी अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा दोनों टीम के बीच में। वही वेदर रिपोर्ट में बात करेंगे तो 23 डिग्री का टेम्परेचर, चांसेस ऑफ रेन 3% का, ह्यूमिडिटी लेवल 68% की है। टीम न्यूज बात करेंगे थंडर की तरफ से, तो लास्ट गेम में एक चेंज करते हुए देखने को मिली थी थंडर, क्रिस ट्रीमेंट के जगह नेथन मैकेंड्री को खिलाया गया था और मैकेंड्री ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया, 3 ओवर फेंकवाया था, हालांकि विकेट लेस रहे थे, तो ये भी अपना जगह टीम में रखेंगे और सेम प्लेइंग 11 के साथ आपको थंडर देखने को मिलेगी। लास्ट गेम में आपको ये भी देखने को मिला था कि क्रिस ग्रीन आपको पावर प्ले में बॉलिंग करते हुए देखने को मिले थे और अच्छा बॉलिंग किया था, तो ये आपको फिर से होते हुए देखने को मिलेगा नेक्स्ट मैचेस में। वही अगर बात करेंगे स्टार्स की तरफ से, तो स्टार ने भी सिर्फ एक पॉसिबल चेंजेस किया था लास्ट मैच में होबार्ट के खिलाफ, जहाँ पे उन्होंने हिल्टन कार्टराइट को ड्रॉप करके निक लार्किन को खिलाया था और निक लार्किन कुछ ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं रहे थे, लेकिन हाँ टीम यहाँ पे जीत के आ रही है लास्ट मैच, जिसके वजह से निक लार्किन को एक और चांस दिया जा सकता है परफॉर्म करने के लिए, तो स्टार्स भी सेम प्लेइंग के साथ उतरेगी। क्वांटा पॉइंट से बात करेंगे तो हेड टू हेड में 10 मुकाबले हुए इन दोनों के बीच में, जहाँ पे 4 बार स्टार्स जीती है, थंडर 6 बार, तो थंडर का पल्ला यहाँ पे भारी देखने को मिल रहा है। हेड टू हेड बात करेंगे सिडनी शो ग्राउंड में, जहाँ पे कल का मैच खेला जाने वाला है, तो 2 मुकाबले हुए हैं जहाँ पे 1 स्टार जीती है 1 थंडर जीती है, तो यहाँ पे हेड टू हेड में काफ़ी अच्छा मुकाबला चल रहा है 50% का रेशियो को, यहाँ पे टीम भल का पलरा भारी देखने को नहीं मिल रहा है। वही रिसेंट फॉर्म का बात करेंगे लास्ट 5 मैचेस में, तो सिडनी थंडर की तरफ से आप देख सकते हैं विन है, लॉस है, नो रिजल्ट से विन है, विन है, मतलब 5 में से 3 मुकाबले जीती है सिडनी। वही मेलबोर्न स्टार्स का बात करेंगे तो विन है, लॉस है, विन है, विन है और फिर है लॉस है, मतलब ये भी 3 मुकाबला जीते, तो यहाँ पे भी 50-50% का रेशियो है। तो बात करेंगे अब फोर्थ पॉइंट के बारे में, तो टोटल मैचेस जो बीबीएल में अभी तक खेले गए 2019 में, तो 17 मुकाबले अभी तक हो गए, यहाँ पे फर्स्ट बैट 12 बार जीती है और सेकंड बैट सिर्फ 3 बार, मतलब अभी तक जो रेशियो चल रहा है वहाँ पे फर्स्ट बैट डोमिनेट कर रही है और लास्ट 5 मैचेस में फर्स्ट बैट करती हुई टीम ही जीती है। तो अभी बीबीएल जो 19 चल रहा है उसमें आपको फर्स्ट बैट को पकड़ के चलिएगा तो ज़्यादा फायदा हो रहा है, आप देख सकते हैं 12 मैचेस फर्स्ट बैट ही जीती है, 1 मैच नो रिजल्ट है, 1 मैच टाई है। वेन्यू स्टैट्स का बात करेंगे तो 19 मैचेस में इस ग्राउंड पे बीबीएल हिस्ट्री में यहाँ पे 11 बार फर्स्ट बैट जीती है, 8 बार सेकंड बैट, तो यहाँ पे भी फर्स्ट बैट का एडवांटेज है। एवरेज फर्स्ट ईयर 155 का है, हाईएस्ट स्कोर है होबार्ट हरी गेंस को 189/43 और लोएस्ट स्कोर है 77/7 सिडनी थंडर का। प्लेइंग 11 का बात करेंगे स्टार्स की तरफ से, तो मार्कस स्टोइनिस, निक मेडिसन, निक लार्किन, पीटर हैंडसकॉम, ग्लेन मैक्सवेल, बेन डंक, नेथन कुल्टर, नैल एडम जैम्पा, डेनियन वड़ाल, डेल स्टेन और संदीप लमिचने। वही थंडर का बात करेंगे तो उस्मान ख्वाजा, एलेक्स हेल्स, कैलम फर्गसन, एलेक्स रॉस्ट, क्रिस मॉरिस, डेनियल सैम, क्रिस ग्रीन, मैथ्यू गिलक्रिस्ट, अर्जुन नायर, नेथन मैकेंडी और जोनाथन कुक, तो ये दोनों ही टीम का प्लेइंग 11 होने जा रहा है। ई प्लस का बात करेंगे स्टार्स की तरफ से, तो मार्कस स्टोइनिस अच्छे फॉर्म में, 155 रन है, एवरेज भी 51.66 का है, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बहुत अच्छे ऑप्शन है। ग्लेन मैक्सवेल लास्ट 3 मुकाबले का अगर उनका बात करेंगे तो 43 रन है, 2 रन है, 83 रन है, प्लस विकेट भी निकाल के दिया है, तो कैप्टन के लिए बहुत अच्छे ऑप्शन है। डेल स्टेन का 3 विकेट है 2 मैचेस में। वही कुल्टन एंड
बॉलिंग भी कर लेते हैं, प्लस जब इनको बैटिंग की ज़रूरत पड़ती है टीम को तो ये परफॉर्म करते हैं, लास्ट में आके अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, तो आप इनको भी वाइस कैप्टन में चूज़ कर सकते हैं। थंडर की तरफ से बात करें तो कैलम फर्गसन हाईएस्ट रन स्कोरर है अभी तक बीबीएल के, 76.33 का इनका एवरेज है और 150 से क्या स्ट्राइक रेट से स्कोर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कैप्टन के लिए। 229 रन अभी तक इनका, ख्वाजा 167 रन है 5 इनिंग्स में, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। डेलियन सैम्स का बात करेंगे तो हालांकि ये तो ऑलराउंडर है लेकिन बैटिंग से कुछ ज़्यादा इनको ऑप्शंस नहीं मिले, जिसकी वजह से इन्होंने बॉलिंग में अच्छा परफॉर्म किया है, 8 विकेट है और इकोनॉमी भी 7.6 की है, तो बहुत अच्छे ऑप्शन है आपके पास। वही कि डिसमोरियस भी 3 मैचेस खेले हैं और हर मैच में 2 विकेट निकाला है, तो टोटल 6 विकेट है इनके अभी तक। अभी यही सब की प्लेयर को लेकर मैंने जो ड्रीमलेवन टीम डिजाइन की मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं मैथ्यू गिलकिस के साथ जा रहा हूँ, विकेट कीपर ऑप्शन आप यहाँ पे हैंडसॉन्ग को भी पिक कर सकते हैं। बैटिंग में बात करें तो ख्वाजा फर्गुसन एलेक्स हेल्स के साथ जा रहा है, यहाँ पे ऑप्शन एलेक्स रोस के अच्छे ऑप्शन है, आप यहाँ पे बिल्डंग के साथ भी जा सकते हैं। ऑलराउंड डिपार्ट बात करें तो स्टोनिस ग्लेन मैक्सवेल क्रिस मॉरिस और डेनियल साइम्स को मैं पिक कर रहा हूँ। बॉलिंग डिपार्टमेंट बात कर लेते हैं तो नेथन कुल्टर नायर अर्जुन नायर अच्छा विकेट लेके निकाल के दे रहे हैं हर मैच में, और डेनियल वोराल को पिक कर रहे हैं। ऑप्शन बहुत सारे हैं यहाँ पे, क्रिस ग्रीन डेल स्टेन एडम जम्पा आप इनके साथ जा सकते हैं अगर आप क्रेडिट फिक्स कर सकते हैं तो। और बात करेंगे तो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए फर्गुसन को कैप्टन और उस्मान ख्वाजा को वाइस कैप्टन, दोनों ने हर एक मैच में परफॉर्म किया है, तो आप मैं इन दोनों को पिक करूंगा, लेकिन दोनों एक ही टीम के हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे स्टार्स के मैक्सवेल को पिक कर सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है। और कैप्टन के रूप में फर्गुसन, वाइस कैप्टन ग्लेन मैक्सवेल, स्टोइनिस भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, ख्वाजा के साथ भी जा सकते हैं एज अ वाइस कैप्टन ऑप्शन में। तो ये रही ड्रीमलैंड टीम दोस्तों, आप यहाँ पे प्रीव्यू ले सकते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना दोस्तों, और रिपोर्ट चाहिए तो 7428525767 पे कांटेक्ट करना चाहिए। टेलीग्राम पे कोहिनूर प्रेडिक्शन से आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देखिए काम देखिए फिर बात करते, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।